हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ, वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स और फेडरल स्टेट्स। तो ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉरेन एक्सचेंज से, फाइनेंस कमीशन से, पंचायत राज से और इलेक्शन कमीशन। तो आंसर है पंचायत राज से। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को कम कर दी 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक? तो आंसर है 64th अमेंडमेंट एक्ट, 66th अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट और 63rd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये लोअर करी है एज? आंसर है 61st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी? कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए? आर्टिकल 356, आर्टिकल 364, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। आंसर इज आर्टिकल 360। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट? कौन से आर्टिकल के अंदर कोई एक पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है रेमेडी के लिए? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की? अब वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 25। तो ये दिया है आर्टिकल 16 के अंदर। Under which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of armed forces be specially restricted? किस article के अंदर fundamental rights जो हैं वो restrict किए जा सकते हैं किन लोगों के लिए? Member of armed forces पे कोई fundamental right अगर member of armed forces पर apply हो रहा है तो उसको parliament के पास ये power है कि वो उस right को restrict कर सकती है। तो वो किस article के अंदर दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 33 के अंदर। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट? किस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया है एंड अब ये क्या है? एक लीगल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 45th अमेंडमेंट एक्ट और 43rd अमेंडमेंट एक्ट। आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो ऑप्शन है 38th अमेंडमेंट एक्ट, 40th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज, बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था? तो वो कौन सा अमेंडमेंट है? ऑप्शंस है 40th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट और 45th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये है आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उस वो किस कमिटी की रिकमेंडेशन से किया गया था? स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं? ऑप्शंस आर आर्टिकल 50 कैपिटल ए, आर्टिकल 50 कैपिटल बी, आर्टिकल 51 कैपिटल ए और आर्टिकल 51 कैपिटल बी। तो आंसर है आर्टिकल 51 कैपिटल ए।